हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि है यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन सबको आता तो होगा, लेकिन उसमें आप बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते होंगे या जब भी आप क्वेश्चन करने बैठते होंगे एक बार आपको रिवाइज करना पड़ता होगा। तो आज हम एक बहुत ही आसान ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिससे आप उसको कभी भूलेंगे भी नहीं और आपके क्वेश्चन भी जो है वो चुटकियों में आएंगे। मीन्स आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए आपको वो याद हो जाएंगे। और हम सिर्फ एक ही ट्रिक को नहीं लेंगे, हम कैपेसिटी वाली ट्रिक्स को भी जान लेंगे, साथ में वेट और साथ में डिस्टेंस वाली, और बहुत ही जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। पहले यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, जो कि है जैसे KM, HM, DAM। अब इसकी फुल फॉर्म पहले हम जानेंगे कि ये जो आप सबको ये आपने बहुत बार बनाया भी होगा और आप इसको भूल भी बहुत जल्दी जाते होंगे। तो आप सबसे पहले KM का यहाँ पे K जो है वो किलो है, H जो है वो हेक्टा है, D डेका, M मीटर, D डेसी, C सेंटी और M मिली। अब इन्हीं से हम सारे, अगर मान लो आपको मीटर वाले निकालने हैं तो आप मीटर वाले निकाल सकते हैं, लीटर वाले निकालने हैं तो आप लीटर वाले निकाल सकते हैं, और अगर आपको ग्राम वाले निकालने हैं तो आप ग्राम, तो क्या बन जाएंगे, किलोमीटर की जगह किलोग्राम या किलो लीटर बन जाएगा। ऐसे ये वाली यूनिट मीटर की जगह लीटर बन जाएगी और ग्राम बन जाएगी। तो मीन्स आप तीनों को इसी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ इसी से आप तीनों को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन और ट्रिक को जानने से पहले हमें ये याद भी तो होनी चाहिए, ये याद होगी जबी तो हम इनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसको याद करने की दो ट्रिक है। सबसे पहली तो आप याद कर सकते हैं, किंग हेनरी डाइड अनटिल ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। इसमें क्या हो गया, देखो के से किंग, के से किलोमीटर, ऐसे ही H, D, अनटिल U और D ड्रिंक। अब यहाँ पे आप समझ रहे होगे अनटिल, तो यहाँ पे जो अनटिल है वहाँ पे ये यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट कोई भी हो सकती है, मीटर, लीटर और ग्राम, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। फिर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, D, C और M। इस तरह से आप इस पूरी लाइन को याद रख सकते हैं। आपको ये किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये वाली ट्रिक याद नहीं करनी है तो आप दूसरी ट्रिक भी याद कर सकते हैं, लाइक कुरकुरे है दुकान में, दुकान से मंगाओ, तब भी आपको याद हो जाएगी। तो आप अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं इस पूरी लाइन को याद करने की। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब बातें हो गई, ये सब हमने कर लिया। आपने ना सब कुछ पढ़ा होगा, आपको पता है कि अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, और इधर से इधर आते हैं तो हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। लेकिन इससे आपको कभी याद नहीं रहता और ना आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते। अब मेन जो हम जानना चाह रहे हैं उस पे आते हैं। अब जो है सबसे पहले आपने टेबल याद कर ली, आपको ट्रिक पता चल गई याद करने की, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 किलोमीटर से मीटर में हमें जाना है, तो सबसे पहले किलोमीटर पे आओ, किलोमीटर पे कितना 4, और जाना कहाँ है मीटर, तो मीटर पे लिख दो 0 और बाकी जितना भी फिल उसको 0 से फिल कर दो। तो ये आपका आंसर आ गया, लग रहा है ना बहुत इजी, तो ये इजी ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से। अगर मान लो आपको 7 मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो पहले 7 मीटर पे आओ, 7 लिख दो और सेंटीमीटर पे जाओ 0 लिख दो और बाकी 0 फिल कर दो। ये तो सबको हो जाता है आसानी से, लेकिन जब हम पीछे बैक पे आते हैं तब कैसे करते हैं। अब इसी को क्वेश्चन को देखो, ये आ गया हमारा 700 सेंटीमीटर। अब 7 मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे, मींस मिलीमीटर से कहाँ आना है सेंटीमीटर पे, तो मिलीमीटर वाले कॉलम में फिल करो 7 और जहाँ आना है वहाँ पे 0 फिल कर दो, वहाँ तक किया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, जहाँ फिल करोगे ना उसी के वहीं पे आपको पॉइंट लगाना है, तो आंसर आ गया 0.7 सेंटीमीटर। एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब जो है हम देखेंगे 6 मीटर से हमें किलोमीटर पे जाना है, तो 6 मीटर कहाँ पे आएगा, मीटर पे जाओ 6 लिखो और कहाँ जाना है किलोमीटर, किलोमीटर पे 0 और बाकी फिल कर दो 0 से, और पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा जहाँ लास्ट है उसके पहले, तो 0.006 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं 5 सेंटीमीटर से डेका, ये डेका नहीं है ये डेसी है, वही देखो डेका में डी ए लिखा होगा और डेसी में खाली डी, तो हमें 5 सेंटीमीटर से डेसीमीटर तक, सेंटीमीटर पे आओ, सेंटीमीटर पे कितना लिखना है 5 और डेसी तक जाना है तो डेसी तक 0 और पॉइंट लगा दो 0.5। बचे हुए दो जो है ये आपको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ट्रिक
समझ आ गई होगी और अब आपके लिए जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल ईजी हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।